हेलो दोस्तों, हम शिफाली और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करते सभी कैंडिडेट्स को जेंटलमैन कैडेट्स के रूप में रेफर किया जाता है, तो आज हम बात करेंगे एकेडमी में जीसीज यानी कि जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान दिए जाने वाले अपॉइंटमेंट्स के बारे में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सीरियस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे सीरियस और ओटी के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको सीरियस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी हमारे देश की ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक है और इतने ही पुराने और महत्वपूर्ण हैं इस एकेडमी में फॉलो किए जाने वाले ट्रेडिशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इंडियन आर्म फोर्सेस ने हमेशा से ही डिसिप्लिन एंड टास्क मैनेजमेंट को उच्चतम स्थान पर रखा है और जवानों को अनुशासित रखना, अपनी सर्विसेज के प्रति डेडिकेटेड रखना और हर सिचुएशन में उनका मोराल हाई रखना एक ऑफिसर की ड्यूटी का पार्ट है। इन सारी स्किल्स का ध्यान ट्रेनिंग पीरियड से रखा जाता है, जिसे जीसीज या फिर हम कहें कि फ्यूचर ऑफिसर्स को ये आइडिया रहता है कि किसी भी ऑफिसर के अंडर डिप्लॉयड होने पर या कमांडिंग पोजीशन को लेते हुए कैसे अनुशासन में रहना है और अपनी सर्विसेज देनी है। आईएमए में पल्टन लेवल से लेकर एकेडमी लेवल तक अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं और इस वजह से भी एक जेंटलमैन कैडेट की एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है और एकेडमी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रन करती है। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट्स के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एक जीसी को ट्रेनिंग के हर भाग में अपना बेस्ट या फिर अबव एवरेज रिजल्ट देना होता है। ओवरऑल एकेडमिक एप्टीट्यूड के साथ ही जीसीज अपने कोर्समेट के साथ कैसा बिहेवियर एंड कंडक्ट रखते हैं ये भी ध्यान में लिया जाता है। अभी हमने आपको अपॉइंटमेंट्स के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है, तो चलिए अब बात करते हैं एकेडमी में जीसीज को कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं और किसको क्या ड्यूटीज देनी होती है। AUO एकेडमी अंडर ऑफिसर। AU एकेडमी में सभी जीसीज के इंचार्ज होते हैं और ये अपॉइंटमेंट्स जनरली एकेडमी के 6 टर्मर्स को दिया जाता है। BUO बटालियन अंडर ऑफिसर। हर एक बटालियन को एक बटालियन अंडर ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो एक बटालियन लेवल जीसीज का इंचार्ज होता है। SUO सीनियर अंडर ऑफिसर की नियुक्ति बटालियन अंडर ऑफिसर के नीचे पद पर होती है जो कि अपनी कंपनी के सभी जीसीज के इंचार्ज होते हैं। JUO जूनियर अंडर ऑफिसर अपने पल्टन के सभी जीसीज के इंचार्ज होते हैं। CSM कंपनी सर्जन मेजर के काम कंपनी की परेड स्टेट्स का ध्यान रखना। CQM यानी कि कंपनी क्वार्टर मास्टर, इनका कार्यभार होता है कैंपिंग आइटम्स को मेंटेन करना, कंपनी की लॉजिस्टिक आइटम्स का ध्यान रखना। और भी कई अपॉइंटमेंट्स होते हैं जैसे कि ACA एकेडमी कैडेट एडजुटेंट। कैडेट एडजुटेंट का काम होता है एकेडमी में डिसिप्लिन मेंटेन करना और हर कार्य को अनुशासन का खास ध्यान रखते हुए कैडेट्स के साथ तालमेल बनाकर अंजाम देना और एकेडमी कैडेट एडजुटेंट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का पालन करते हुए काम करना। बटालियन कैडेट एडजुटेंट। बटालियन कैडेट एडजुटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम होती है, उन्हें बटालियन लेवल पर डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। BCQM बटालियन कैडेट क्वार्टर मास्टर का कार्यभार होता है कैडेट्स को मील अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना और बटालियन कैडेट क्वार्टर मास्टर का बेसिक काम बटालियन लेवल पर लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस का होता है। एकेडमी में कुछ और अपॉइंटमेंट्स को भी अपॉइंट किया जाता है जैसे कि सर्जेंट, कॉर्पोरल्स, लांस कॉर्पोरल्स, जिन्हें थर्ड एंड फोर्थ टर्म के कैडेट्स से चुना जाता है। इन सभी अपॉइंटमेंट्स के साथ एकेडमी को एक वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है जिसका असर हम एकेडमी की कार्य कुशलता में भी देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मिलने वाली अपॉइंटमेंट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।